हेलो फ्रेंड्स, मैं निगहत परवीन खान, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर एफटीआर सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज राज व्यवस्था के सब्जेक्ट का दूसरा एफटीआर है, जिसमें हम ये टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपके शेड्यूल में ऑलरेडी ये टॉपिक्स दे दिए गए हैं, पर मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी डिस्प्ले कर दिया है। मौलिक अधिकार, नीति निषेक तत्व, मौलिक कर्तव्य और न्यायपालिका पर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे और उन प्रश्नों के पीछे की जो धारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो दूसरी डिटेल है, उन्हें भी देखेंगे, ताकि आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने में भी आसानी हो। एफटीआर का ये जो सेशन अभी चल रहा है इस चैनल पर, ये हिंदी में है। तो आप में से जितने लोग इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स हैं, आपको ये सेम एफटीआर सेशन कंपटीशन कम्युनिटी के इंग्लिश मीडियम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में मिलें, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो हिंदी में होगा, एक्सप्लेनेशन में जो टर्म्स भी यूज किए जाएंगे वो हिंदी में है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाला जो चैनल है कोको इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस इंग्लिश में मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में मिलेगा। फाइन विद दैट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि टॉपिक्स पहले ही बहुत सारे लिखे थे, लेकिन मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आउट ऑफ जितने भी यहाँ पे दिए हुए, इसलिए आज के सेशन में मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन ज्यादा आपको देखेंगे। वैसे भी आपने देखा ही होगा कि सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो मौलिक अधिकार वाले टॉपिक से ही बनते हैं, वैरायटी बहुत बनती है। ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से अधिकार विदेशियों को और नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो इसे समझ में आता है कि कुछ ऐसे अधिकार होते होंगे जो या तो नागरिकों को प्राप्त है या विदेशियों को प्राप्त है, या ऐसा कोई फंडा होता होगा। तो ध्यान रखिए, संविधान के भाग तीन में उल्लेखित मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, उसकी एग्जैक्ट सूची 14 से 32 के बीच में है। देखो, भाग तीन मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में, लेकिन सूची जो मौलिक अधिकार की वो 14 से 32 के बीच में, क्योंकि 12, 13 और 33, 34, 35 जो अधिकार है ना, वो मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं, बाकी एग्जैक्ट जो लिस्ट है वो 14 से 32 के बीच में। तो ये 14 से 32 के बीच में जो मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं, इनमें से 15, 16, 19, 29 और 30, ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो संविधान ने भारत के नागरिकों के लिए ही बस रखे हैं। ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए, विदेशियों को नहीं दिए गए, केवल नागरिकों के लिए है। शेष सभी अधिकार इनको छोड़कर, शेष सभी अधिकार नागरिकों के लिए भी हैं और भारत में जो विदेशी रह रहे हैं उनके लिए भी हैं। जैसे मान लीजिए 29-30 क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है भारत के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। अब अल्पसंख्यक बोलने का मतलब अल्पसंख्यक नागरिक, ठीक, क्योंकि अगर आप सिर्फ अल्पसंख्यक बोलेंगे तो यदि कोई फ्रांस का व्यक्ति यहाँ पर है, कोई अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पर है, वहां का नागरिक यहाँ पर है, तो संख्या में तो वो भी कम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 29 और 30 के तहत जो संरक्षण संविधान ने दिए हैं वो संरक्षण उसे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो उनको जो विदेशी यहाँ पर, उनको 29 और 30 के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा, जो भारत के नागरिक अल्पसंख्यक हैं उनको मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से 29-30 उसे नहीं दिया गया, 15-16-19-29-30 सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं, बाकी जितने हैं 14 से 32 के बीच में, बाकी जितने हैं वो विदेशियों के लिए भी है, नागरिकों के लिए भी। फाइन विद दैट। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो हम अनुच्छेद देख लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 और ऑप्शन एक कॉम्बिनेशन वाला रास्ते। तो देखो 14, 21, 16 इनमें से कौन सा इनमें फॉल करता है, सी फॉल करता है 16। ठीक है, मतलब ये वाला जो अधिकार है ये केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। और प्रश्न क्या पूछा है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, मतलब ए भी प्राप्त है और बी भी प्राप्त है। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है, ए व बी दोनों, ये सही आंसर है, क्योंकि ए और बी दोनों नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए सी। ठीक, समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। प्रश्न दो कहता है, राज्य के नीति निषेक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था।
भीमराव अम्बेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ये पूरी तरह से एक तथ्यात्मक प्रश्न है और ऐसे कई प्रश्न भी पूछता है जहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं रहता, पर वो आपकी मेमोरी को टेस्ट करता है। तो आप सभी जानते हैं ऐसा जो संज्ञा देने वाले एक क्वेश्चन है कि किसने संविधान की इसे आत्मा कहा था, किसने विशेषता वाला फीचर कहा था, किसने संविधान को या भारत को क्वासी फेडरल कहा था, ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर उस पर जब चैप्टर की विशेषता या महत्व बताता रहता है तो वहाँ पर अक्सर आपको एक दो लोगों के कोट्स या कथन मिलेंगे कि किसने उस चैप्टर के बारे में या उस एलिमेंट के बारे में क्या कहा था। तो कम से कम एक दो आप जरूर नोट डाउन करके रख लीजिए, अक्सर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछ रहे हैं, पहले तो ध्यान में रखिए नीति निर्देशक तत्व आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जब भी आप कानून बनाएं तो इन गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर बनाएं। नीति निर्देशक तत्व कुछ आदर्श गवर्नेंस के एलिमेंट हैं या मैं कहूँ आदर्श प्रशासन के कुछ तत्व हैं कि यदि सारी परिस्थितियां सही हो जाती तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहिए किसी तरीके से। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने जो भी भारत की एक तस्वीर दिमाग में रखी थी उस तस्वीर के तहत नीति निर्देशक तत्वों में कुछ गवर्नेंस के लिए गाइडलाइन लिखी गई है कि जब भी परिस्थितियां अनुकूल रहें उस समय इन चीजों को लागू कर सके। ये गाइडलाइंस जब भी केंद्र या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाती है, संसद या विधानसभाएं कोई भी कानून बनाती है या कोई भी नीतियां सरकार बनाती है तब नीति निर्देशक तत्वों पर एक नज़र जरूर डाली जाती है कि उसके हिसाब से कि उसके अगेंस्ट से, ठीक है। तो निदेशक तत्व एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, ये सरकार के लिए एक मौलिक दर्शन है। आप कह सकते हैं संविधान के दर्शन में ये वाला जो दर्शन है ये संविधान ये सरकार के लिए मौलिक है, बाकी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों के लिए मौलिक है। तो देखिए अब उस पर से क्वेश्चन क्या पूछा है, संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसने दी थी नीति निदेशक तत्वों को? तो ये दी थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये सोल है संविधान का, संविधान के तहत जो कानून नहीं लिखे गए यदि फ्यूचर में अगर उन कानूनों की जरूरत पड़ती है तो नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेकर के वो कानूनों को बनाया जा सकता है, ठीक। तो याद रखें आंसर इज बी ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने इसे मूलात्मा कहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन असत्य है? असत्य के कथन पहचानने के लिए कहा है। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं आपके पीएससी में, ध्यान दें बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात ये रहती है कि अगर आपने एक दो भी सही अगर अंदाजे लगा लिए और सही पहचान लिया तो कॉम्बिनेशन में ऑप्शन इजी हो जाते हैं। पहला कथन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। नीति निर्देशक तत्व नकारात्मक हैं, ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। और अंतिम जो स्टेटमेंट है वो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। और फिर कुछ कोट दिए हैं, 1 और 3 सही हैं, 3 और 4 सही हैं, 2 और 5 सही हैं, कि केवल 3 सही हैं। बताएं इतनी देर जब तक मैं पढ़ रही थी आप में से कई लोगों ने आंसर आई हो बना लिया होगा। 5 स्टेटमेंट है ये नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषताएं हैं जो उसके फीचर्स हैं उस पे से है, ठीक है, कि किस तरह से इसका फीचर है संविधान में जो उल्लिखित है। तो एक एक करके हम पहले देखते हैं कि कौन से सही है कौन से गलत। आपको ध्यान में रखना है कि असत्य कथन को पहचानना है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल मौलिक कर्तव्यों के जैसे ही गैर न्यायोचित होते हैं तो इसे जबरदस्ती न्यायालय का सहारा लेकर के लागू नहीं किया जा सकता, ठीक। मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित और मौलिक कर्तव्य भी, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, बिल्कुल सही। लोकतंत्रात्मक ढांचे के तहत ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि सामाजिक और आर्थिक दोनों ही लोकतंत्र स्थापित करने में मदद मिले, तो इसका उद्देश्य है। ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा कि उद्देश्यों में एक उद्देश्य रखा गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है,
नीति निषेक तत्व व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन नहीं देते, ये लोक कल्याण या जन कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ठीक, व्यक्ति विशेष इसके उद्देश्य नहीं है, ये जन विशेष या लोक विशेष उद्देश्य है, ये समाज को लेकर के बात होती है। नीति निषेक तत्वों में जो टारगेट है वो समाज का कल्याण है, ना कि व्यक्तिगत कल्याण, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट हमको असत्य कथन ढूंढना था, जिसमें से पहला असत्य कथन हमको मिल गया। अगला, नीति निषेक तत्व नकारात्मक है, ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है, और ये किसी भी तरह के कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं करते, ये प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, क्या नहीं करना चाहिए से ज्यादा है इसमें कि क्या करना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, अगर कोई चीज को नेगेटिव वे में लिखा भी है तो उसको असर्टिव वे में ही लेना है इसमें आपको, ठीक है, तो नकारात्मक नहीं है। कोई राज्य कोई मना नहीं करते कि आप ऐसा ना करें, कुछ ऐसी चीजें कि आप कुछ ऐसा करें जिसे कुछ सकारात्मक बातें, तो आप इसका जस्ट उल्टा ले सकते हैं, कुछ सकारात्मक, ये मैक्सिमम सकारात्मक होते हैं जो प्रतिबंधित नहीं करते, राज्यों को कुछ नए कानून लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अंतिम स्टेटमेंट देखते हैं, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्वयं गैर न्यायोचित नहीं है, क्योंकि ये जो निदेशक तत्व हैं ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्टिव है, इसका मतलब इसको ये न्यायोचित नहीं है, इसलिए अगर इनको लागू करना है तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या संसद या विधानसभा द्वारा एक कानून ला करके इनको लागू किया जा सकता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ सही है, और हमको ढूंढना है असत्य, तो थर्ड और फोर्थ गलत है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में थर्ड फोर्थ है, बी, तो आंसर विल बी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर फोर में मूव ऑन करते हैं हम। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? अनुच्छेद 19 एक हमेशा से पूछा गया महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके बहुत सारे विविध पहलू है, जहां से प्रश्न बनते ही है। ठीक, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक व निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, विश्व में कहीं भी बिना बाधा के संचरण का अधिकार, क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, विश्व में कहीं भी बिना बाधा के संचरण का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 19 आप सभी जानते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है 19, 20, 21, 22 में से, उनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 है, जिसके तहत हमको 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मिली हैं। पहली अभिव्यक्ति की, दूसरी संघ या समिति बनाने की, तीसरी सम्मेलन करने की, उसके अलावा चौथी भारत के अंतर्गत कहीं पर भी संचरण करने की, पांचवी भारत में कहीं पर भी आवास बनाने की या रहने की या बसने की, और अंत में है कोई भी तरह के व्यवसाय को अपनाने की। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई। ठीक, तो बात आती है कि संचरण करने की भी स्वतंत्रता इसके अंदर की दी गई है, तो हमने डी क्यों चुना, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि संचरण करने की अधिकार का अधिकार, पर ध्यान दीजिए पूरे स्टेटमेंट पे, विश्व में कहीं पर भी बिना बाधा संचरण करने का अधिकार नहीं है इसके तहत, ये भारत के अंदर कहीं पर भी संचरण करने का अधिकार दिया गया, ना कि विश्व में। ठीक है, इसलिए ये 19 की व्याख्या में या 19 के भाग में नहीं आता है। तो फिर बात आती है कि क्या ऐसा कोई अधिकार हमें है, विश्व में कहीं पर भी संचरण करने का अधिकार हमें है क्या? है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली बात होती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को की व्याख्याएं जब आप देखेंगे ना, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहुत सारी व्याख्याएं सर्वोच्च न्यायालय ने की, उनमें से एक व्याख्या है कि हम विश्व में कहीं पर भी जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत निर्णय लेने की बात आती है, वहां पे अनुच्छेद 21 आ जाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत निर्णय वाली जो स्वतंत्रता है उसके तहत ये वाला आएगा, ना कि अनुच्छेद 19 में। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया, डी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है अनुच्छेद 19 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी, स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है कौन से अनुच्छेदों को? 14, 15, 16, 14, 19, 21, 32, 29, 30, 19, 20, 21 या इनमें से कोई नहीं? बताएं क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, अनुच्छेद 14, 19 और 21। अनुच्छेद 14 मतलब समानता का अधिकार, है ना, और वो भी खास तौर पे कौन से विधि के समक्ष समानता इसके अंतर्गत आती है, विधि के समक्ष। उसके अलावा अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, जिसके में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है 6 प्रकार की, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने डिस्कस किया। और अनुच्छेद 21 जो है ये 14 है, ये 19 है, और अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, प्राण की स्वतंत्रता। ये तीनों को हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि ये भारत में विद्यमान विधि के शासन को तार्किक बनाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ को भारत में तार्किक बनाने के लिए कुछ अधिकार रखे गए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हम कह सकते हैं कि विधि के शासन को आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया में, लेकिन खासतौर पर ये तीन जो है ना, 14, 19 और 21, ये रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। 14, 19 और 21 कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में, उनमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। समाज में यदि व्यक्ति को समानता मिले, यदि उसे अपने पर्सनल डिसीजन लेने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, और उसे अपने जीवन जीने की और व्यक्तिगत निर्णय लेने की अगर स्वतंत्रता मिले, तो शायद एक व्यक्ति विशेष अधिकार इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इन तीनों को सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन ट्रायंगल बोले जाने के पीछे वजह, सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई तीन अधिकार आपसे पूछता है तो 14, 19 और 21 ही है, ठीक। इसे रूल ऑफ लॉ से भी कनेक्ट किया जाता है, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों से भी कनेक्ट किया जाता है, इसलिए स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है। तो ये है आंसर डी, 14, 21, फाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्न रिट को उसके अर्थ से सुमेलित कीजिए। रिट पर से क्वेश्चन है ये, मतलब कौन से क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संविधान, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत भारत का संविधान 5 प्रकार की रिट की बात करता है, और वो 5 प्रकार की रिट में से 4 तरह की रिट यहाँ पर लिखी गई है। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। इस तरफ बंदी प्रत्यक्षीकरण है, फिर परमादेश है, प्रतिषेध उत्प्रेषण है, फिर इधर है अर्थ में हम आदेश देते हैं, प्रस्तुत किया जाए, प्रमाणित होना चाहिए, रोकता है, और फिर कुछ खोद दिए गए। बताइए इतनी देर में आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए अभी तक के। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर इसलिए आता है क्योंकि असल में ये जो शब्द है रिट, ये लैटिन शब्द है। इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो इंग्लिश का ही ओरिजिनल वर्ड है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से ज्यादा अगर आप जुडिशियल लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हैबियस कॉर्पस यूज करते हैं। हैबियस कॉर्पस इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो लैटिन का वर्ड है, ठीक है। वैसे ही परमादेश को अगर हम कहें तो मैंडेमस भी कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं, वो लैटिन का वर्ड है। तो दरअसल रिट जो है ओरिजिनली लैटिन का शब्द है, जितने प्रकार के रिट है वो भी ओरिजिनली लैटिन के हैं। इस वजह से उसके जो शाब्दिक अर्थ है उन पर से प्रश्न बनते हैं कि इंग्लिश में भी बनता है कि उस रिट का जो लैटिन में वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और हिंदी में उसके शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 4 प्रकार के रिट को हम देख लेते हैं कि सबका अर्थ क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला जो रिट है इसका मतलब होता है प्रस्तुत किया जाए, इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस इसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, बंदी के शरीर को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए, ठीक, प्रस्तुत किया जाए, तो ये इसका अभी होगा। इसके अलावा परमादेश ये होगा, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये परमादेश का मतलब होता है। प्रतिषेध मतलब ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, रोकना किसी चीज को, निषेध करना, प्रतिषेध करना। और उत्प्रेषण प्रमाणित होना या सूचना देना, मतलब ये सर्टिफाई ने कोई चीज को सर्टिफाई करना होता है। तो इस हिसाब से देखिए ए का मैच है 2, बी का मैच है 1, दोनों से देख लेते कौन सा कोड दिख रहा है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ है, ए का मैच है 2, ए का मैच बी में है 2, ठीक है। उसके अलावा कहीं
डी में भी 2 है, उसके अलावा बी का मैच है 1, बी का मैच देखो बी और सी में कौन, बी और डी में कौन सा, ये वाला बी, ठीक है। देखो ए के मैच में 2 दो जगह पर है, बी और डी दोनों में, लेकिन बी के मैच में 1 सिर्फ बी में है, तो यहां से आपको ऐसे आंसर मिल गया, इसका आंसर होगा बी। सी का मैच भी देख लेते हैं, 4 सही है, डी का मैच भी देख लेते हैं, 3 सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक, 2, 1, 4, 3 इसका सही ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा इस तरह से लिखने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इधर हॉरिजॉन्टल में भी से लिख दिया, इधर वर्टिकल में इसमें आंसर ऐसा, मतलब मैच भी करने का तरीका उसने अलग रख दिया, तो यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा घूमता है, तो ध्यान से आप अपने आंसर्स को टेक करेंगे, ठीक। अब ये 5 और 8 को मैं एक एक लाइन में आपको बता देती हूँ, 4 तो ये है जिसको पहले मैं बता देती हूँ, और जो छूट छूट गया उसे मैं बता देती हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को तयशुदा समय सीमा से ज्यादा बंदी बनाकर रखा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पुलिस को या अरेस्टिंग अथॉरिटी को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करते हुए कहती है कि बंदी के शरीर को प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि ये रूल है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर किसी को भी अगर गिरफ्तार करी है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होता है, यदि वह ऐसा नहीं करती है पुलिस तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी होता है, ठीक। दूसरा परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब ये रिट तब जारी होता है, न्यायपालिका ये रिट तब जारी करती है जब कोई व्यक्ति उसे दिए गए कार्यों से मुकरता है या उस कार्य को करने में आनाकानी करता है, तो यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका उसे आदेश देती है कि आप अपना काम ठीक से करिए, ये परमादेश कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जारी होता है। प्रतिषेध, रोकना, ये न्यायपालिका जो प्रतिषेध जारी करती है वो किसी न्यायिक अंग के लिए ही करती है, यानी किसी तरह की कोर्ट के लिए ही करती है, ये तब जारी होता है जब कोई कोर्ट अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर के फैसला लेता है। मान लीजिए कोई जिला कोर्ट है और उसने कोई ऐसा फैसला सुना दिया जो कि जिला कोर्ट के दायरे से बाहर है, मतलब हो सकता है वो राज्य के हाई कोर्ट के दायरे में आता हो पर जिला कोर्ट के दायरे में ना आता हो, लेकिन जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो उसने अपने अधिकारिता यानी कि उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसकी जो शक्तियां हैं, उसे बाहर जाकर फैसला लिया, तो ऐसे फैसले मान्य नहीं होंगे। यदि ऐसे फैसले लिए जाते हैं किसी कोर्ट द्वारा तो प्रतिषेध के तहत कोई उच्चतर न्यायालय उस निम्नतर न्यायालय को रिट जारी करके कहेगा कि आप उस फैसले को रोक दीजिए, क्योंकि वो लागू नहीं होगा क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अपना फैसला लिया, ठीक, ये प्रतिषेध है। और उत्प्रेषण, प्रमाणित होना या सूचना देना, इसमें ये बिल्कुल सेम तरह का है, प्रतिषेध का ही एक स्टेप आगे होता है, जब उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को कहती है कि आप पहले उस फैसले को रोक दीजिए और उसे किसी ऐसे न्यायालय को ट्रांसफर कर दीजिए जो अधिकृत है वो फैसला लेने का, तो उत्प्रेषण का एक वर्ब मतलब होता है अधिकृत करना, प्रमाणित होना, सूचना देना का मतलब अधिकृत करना। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनधिकृत है वो फैसला लेने का, तो उत्प्रेषण जारी होगा उसके लिए और उसे कहा जाएगा कि आप उसे हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर लीजिए क्योंकि हाई कोर्ट अधिकृत है वो फैसला लेने के लिए। तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही कोई उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के लिए जारी करता है, ठीक है। और 5वां जो रिट इसमें नहीं दिया गया है वो है अधिकार परीक्षा, वो भी पूछ सकता है। अधिकार परीक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किस अधिकार से? किस अधिकार से? ये रिट न्यायपालिका तब जारी करती है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पद को ग्रहण करके रखा रहता है, उसका प्रमोशन गलत हुआ, उसका अपॉइंटमेंट गलत हुआ, या किसी तरह से उसका जिस पद को ग्रहण करके रखा हुआ है उस पद के वो योग्य नहीं है, तो यदि न्यायपालिका के कानों तक की बात पहुंचती है तो न्यायपालिका उस व्यक्ति के लिए अधिकार परीक्षा का रिट जारी करती है और उसे पूछती है कि किस अधिकार से आपने उस पद को ग्रहण करके रखा हुआ है, तो उस व्यक्ति को फिर इस रिट के जवाब में अपने अधिकार को प्रमाणित करना होगा या अधिकार को बताना होगा कि इस वजह से ये मैं एलिजिबिलिटी में ये पूरा करता हूँ, मैंने ये एग्जाम दिया है, ये सारी चीजें प्रमाणित करेगा कि क्यों मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए अधिकृत हूँ। यदि वो अधिकृत नहीं पाया जाता तो न्यायपालिका आगे की कार्यवाही करके उसे उस पद से हटा दे सकती है।
ठीक है। तो ये पांच प्रकार के रिट्स होते हैं और इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ बताया है। डिटेल अगर आपको जाननी है और तो आप मोबाइल कोर्स में मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो आंसर होगा बी। आगे मूव करते हैं प्रश्न सात पे। मूल अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? सही है पूछ रहा, सत्य नहीं। इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दी जा सकती है क्या? हाँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिशियबल हैं, न्यायालय के जरिए आप उसे जबरदस्ती लागू करवा सकते हैं। ये सही है। ठीक, ये अधिकार असीमित है। क्या ये असीमित है? नहीं, इसमें जरूरी सीमाएं या सीमांकन इसका किया गया है। आपको कुछ शर्तों के साथ ये अधिकार मिले हैं, निःशर्त नहीं मिले हैं। ठीक, इसलिए असीमित नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगला, इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है। इन अधिकारों से होना चाहिए वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार, जब ये भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए ये निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्या ये सही है? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, पहला ही प्रश्न ये था कि ये नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है, कुछ अपवादों के साथ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है, इनका उल्लेख संविधान के भाग चार में किया गया है। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि उनका उल्लेख संविधान के भाग तीन में किया गया। तो इस तरह से अगर सही कथन बोले तो एक सही है और तीन सही है, बाकी जो है वो गलत है मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आई थिंक इतना काफी होगा। और इन स्टेटमेंट्स में से आपको और भी कोई डाउट आता है कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों या सही क्यों, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम थोड़ी बहुत ही व्याख्या यहाँ पर ले पाएंगे, बहुत डिटेल नहीं जा पाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई स्टेटमेंट कि इसको गलत या सही क्यों लिया गया, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अगेन नहीं है पूछ रहा है। और क्या मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, ना मौलिक अधिकार। ठीक, सार्वजनिक चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। मतदान का कोई कर्तव्य संविधान में नहीं लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्यों की सूची में। ठीक, ये एक वैधानिक कर्तव्य है लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं। मैं रिपीट करती हूँ, वोट डालना, यहाँ के नागरिक वोट डाले, अपने वैध मताधिकार का प्रयोग करें, ये आपका कर्तव्य है। बट कैसा है? वैधानिक कर्तव्य है, ना कि मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि मौलिक कर्तव्यों की जो पूरी सूची है उसे आप याद कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग चार क में, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों की सूची है, जिसमें कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये एक बहुत छोटा चैप्टर होता है, इसमें से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि एक ही अनुच्छेद है जिसमें पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप ऊपर नीचे करके भी याद करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग कर्तव्य। फिर भी आप उन 11 को याद कर लें ताकि इस तरह के प्रश्न बनाने को मिले। ठीक, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करिए, साइंटिफिक टेम्पर वाला, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये सारे जो तीनों है ना इस 11 वाले लिस्ट में सम्मिलित है, पर मतदान का अधिकार नहीं। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए जो समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति नाम है उसका, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो अनुशंसा की थी कि किस किस तरह के मौलिक कर्तव्य शामिल करने चाहिए, उस अनुशंसा में मतदान करने का अधिकार भी एक अनुशंसा थी। उनका कहना था कि मत डालना, वोट डालना भी एक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, वोट डालना एक कर्तव्य होना चाहिए, पर इसे माना नहीं गया, तो इस वजह से ये सूची में शामिल नहीं है। ठीक, तो ये बाकी मौलिक कर्तव्यों में से कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में कितने मौलिक कर्तव्य थे,
तो प्रारंभ में 10 थे, फिर बाद में एक अनुच्छेद के जरिए, बाद में एक संशोधन के जरिए एक ऐड किया गया, तो कुल मिलाकर अभी 11 कर्तव्य हैं। 42वें संशोधन सन 1976 से मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया हमारे संविधान में। इससे पहले तक मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे। तो 42वें संशोधन से 10 कर्तव्यों को ऐड किया गया। फिर एक जो कर्तव्य है वो सन 2002 में 86th अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया। तो 86th अमेंडमेंट 2002 के जरिए 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और 10 की सूची 42वें संशोधन के जरिए जोड़ी गई, तो कुल मिला के 11 कर्तव्य। ठीक, वोट डालना लीगल राइट है, लीगल ड्यूटी है। जहां भी मैं राइट बोल रही हूँ थोड़ा सा समझिएगा, चाहे वो जबान फिसल रही है, जो भी है, लीगल ड्यूटी है, मतलब कि आपका वैधानिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो ये है प्रश्न 8। मूव ऑन करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न 9 है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, असत्य कथन। कर अदा करना एक मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को कर्तव्यों में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। मौलिक कर्तव्य भारत में निवास कर रहे विदेशियों के लिए भी हैं। और फिर कुछ कूट दिए हैं जिसमें इन तीनों ही जो वक्तव्य हैं उनके कुछ कॉम्बिनेशन दिए। तो एक एक करके पहले हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है, वो तो अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में देख ही लिए, अब हम इनको सीधा एनालिसिस करते हैं। कर अदा करना एक मौलिक कर्तव्य है। क्या टैक्स पे करना मौलिक कर्तव्य है? टैक्स पेमेंट का कोई मौलिक कर्तव्य उस 11 कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को कर्तव्यों में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही। मत डालने की कर्तव्य के साथ साथ परिवार नियोजन के कर्तव्य और कर अदायगी के कर्तव्य को भी इस सूची में डाले जाने की अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, लेकिन ये तीनों ही कर्तव्य जो है उन्हें शामिल नहीं किया गया, न परिवार नियोजन का, न मतदान का और न ही कर अदायगी का। और इस वजह से मौलिक कर्तव्यों की आलोचना भी होती है। कई लोगों का, कई आलोचकों का कहना है कि ये तीनों जरूरी कर्तव्य थे और इन्हें शामिल करना चाहिए था, और स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा भी की थी, तब भी इसे शामिल नहीं किया गया, ये एक आलोचना में भी आता है अगर। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट 2 है ये सही है, अनुशंसा हुई थी पर शामिल नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्य भारत में निवास कर रहे विदेशियों के लिए भी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने मौलिक अधिकार पढ़ा कि वो विदेशियों के लिए और नागरिकों के लिए दोनों के लिए है, तो क्या मौलिक कर्तव्य भी दोनों के लिए है? नहीं, मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। भारत का संविधान अधिकार तो विदेशियों और नागरिकों दोनों को देता है, लेकिन वो कर्तव्यों की उम्मीद केवल भारत के नागरिकों से करता है, यहाँ रह रहे विदेशियों से नहीं। ठीक, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट और थर्ड गलत है, और आपको गलत स्टेटमेंट ही चूज करना है। तो 1 और 3 देखिए कहाँ पर लिखा है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा डी, 1 और 3 असत्य कथन। ठीक, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न का मिलान करें, ये एक मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करने का प्रश्न है, और क्योंकि जुडिशियरी न्यायपालिका भी आपके आज के टॉपिक में शामिल था तो वहां से ही प्रश्न है। संघ शासित क्षेत्र, न्यायपालिका और कुछ कूट दिए। प्रश्न देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हैं और यहां पर उन राज्यों के नाम लिखे हैं जिन राज्यों के हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालय इन संघ शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालय भी है। आप सभी जानते हैं उच्च न्यायालय के संदर्भ में कि भारत में बहुत सारे कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, मतलब एक ही हाई कोर्ट होगा लेकिन वो कुछ राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, सभी को सर्व करेगा। ठीक, जैसे कि इन एग्जाम्पल से अगर मैं बाहर का एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लीजिए मद्रास हाईकोर्ट, जिसे आज हम चेन्नई हाईकोर्ट बोलते हैं। चेन्नई हाईकोर्ट जो है वो वैसे तो सिचुएटेड है मद्रास, मतलब तमिलनाडु में, तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु का न्याय क्षेत्र तो वो कवर करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो पुडुचेरी का भी न्याय क्षेत्र कवर करता है। तो चेन्नई हाईकोर्ट जो है वो तमिलनाडु के लिए भी है और पुडुचेरी के लिए भी है। तो इस तरह से चेन्नई हाईकोर्ट एक कॉमन हाईकोर्ट हो गया। वैसे ही कुछ संघ शासित प्रदेश हैं जिनके सामने आपको मिलान करना है कि ये संघ शासित प्रदेश जो है वो कौन से हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। ध्यान रखिएगा संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली के पास अपना एक हाई कोर्ट है,
ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप बताएं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है ये कोलकाता हाई कोर्ट के दायरे में आते हैं, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा में आते हैं, दमन एंड दीव बंबई में आते हैं और लक्षद्वीप केरल में आते हैं। तो बड़ा ही आसान हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट मैच डी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। ठीक है, तो कई बार चीजें बहुत आसान होती है, हम दिमाग को ज्यादा ही घुमाने की कोशिश करते हैं। जब चीजें आसान होती है तो हमारे दिमाग में आता है इतना आसान कैसे हो सकता है, पर कभी कभी आसान भी होता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो इनकी एक कॉमन हाई कोर्ट्स है, इसके अलावा जितने कॉमन हाई कोर्ट्स हैं आप उनके भी नाम याद रख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तमिलनाडु का जो चेन्नई हाई कोर्ट है, उसके अलावा जो 5 हाई कोर्ट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट में है आप उसे भी याद रखेंगे, गुवाहाटी हाई कोर्ट के दायरे में। ठीक है, ये 4 के अलावा एक कहा मैंने चेन्नई हाई कोर्ट, उसके दायरे में क्या क्या आते हैं वो देख लें, उसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से आते हैं वो देख लें, उसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए सर्व करेगा। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है वो लद्दाख के लिए भी सेम उच्च न्यायालय है। ठीक है, पहले तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश का है वो भी कॉमन था, हैदराबाद हाईकोर्ट, लेकिन अमरावती में जो हाईकोर्ट बना उसके बाद से इसके अलग अलग। तो इस तरह से ये जितने कॉमन हाईकोर्ट्स हैं उसकी लिस्ट जरूर याद कर लीजिए, किसी भी प्रकार से प्रश्नों में पूछ सकता है। ठीक, तो अब हम मूव ऑन करते हैं प्रश्न क्रमांक 11। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तनीय है, तो बताएं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है उसमें संविधान ने कोई निश्चित संख्या रखी है क्या न्यायाधीशों की, इतने ही होने चाहिए, या कोई रेंज रखी है क्या? जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये परिवर्तनीय, संसद समय समय पर संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय की जजेस की संख्या को कम ज्यादा कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले तक के इसमें 31 जज थे मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, और अभी भी संसद से एक अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत अब जजेस की संख्या बढ़ा करके 34 कर दी गई, जिसमें 33 न्यायाधीश है और 1 जो है वो मुख्य न्यायाधीश। तो ये समय समय पर बदलती रहती है और संसद के पास अधिकार है इसमें परिवर्तन। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से सही है, परिवर्तनीय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1949 को किया गया था, सही कि गलत? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1949 को नहीं 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय, वैसे तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय पहला बना था वो बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता था, जो अंग्रेजी समय में बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, पर आजाद भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है मतलब दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1947 से पहले तक संघीय न्यायालय कहा जाता था। शायद आपको पता होगा कि दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था, पर इसका नाम था संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। आजादी के बाद दिल्ली के संघीय न्यायालय का ही नाम बदलकर इसका उद्घाटन किया गया और संविधान लागू हो जाने के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया। तो 28 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को एनफोर्स किया गया, तो उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किया गया। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमें आंसर तो वैसे मिल गया है, लेकिन हम तीसरा और चौथा भी जांच लेते हैं ताकि हम कंफर्म हो जाए। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों का वकालत का अनुभव होना चाहिए, ये न्यायाधीशों की जो अर्हताएं हैं, जो क्वालिफिकेशन है उस पर से एक स्टेटमेंट। तो कितने वर्षों का और कौन से पद पर अनुभव होना चाहिए, क्या ये सही लिखा है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, 10 वर्षों का वकालत का अनुभव होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के लिए संविधान ने 3 शर्तें रखी। पहला, देखो भारत की नागरिकता तो एक कॉमन शर्त है ही, दूसरी शर्त है वो किसी उच्च न्यायालय स्तर पर जज के रूप में, ठीक, न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल उसने काम किया हो, यानी 5 साल जज के रूप में काम किया हो।
या फिर 10 साल उसने किसी वकील यानी कि एडवोकेट के रूप में काम किया हो उच्च न्यायालय स्तर पर। तो पहली शर्त भारत का नागरिक, दूसरी शर्त 5 साल उसको जज रहने का एक्सपीरियंस हो हाईकोर्ट लेवल पर कम से कम, या फिर और है ना ये 5 और 10 वाले में, या फिर 10 साल का उसको वकालत का अनुभव हो उच्च न्यायालय स्तर पे, या फिर एक और जो है वो संविधान वो राष्ट्रपति के संज्ञान में एक विधिवेत्ता मतलब कानून का अच्छा था खासा जानकार। भारत के नागरिक होने के अलावा इन तीनों में से कोई भी एक शर्त यदि कोई व्यक्ति पूरा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यदि वो 5 साल जज रहा हो या 10 साल वकील रहा हो या भारत के राष्ट्रपति कहता है कि ये बहुत अच्छा कानून का जानकार है तो भी उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 10 साल की वकालत के अनुभव रिक्वायरमेंट है। अगला स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कोई टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता कि वो 4 साल 5 साल 6 साल के लिए आते हो, ऐसा कुछ नहीं, उनकी रिटायरमेंट एज होती है, सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो यदि कोई एक बार जज बन जाता है वो चाहे 35 साल की उम्र में हो बने या 40 साल की उम्र में बने, वो 65 वर्ष तक के सेवा देगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायरमेंट एज ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायरमेंट एज 65 साल है जैसे कि इसमें दिया है, पर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के लिए रिटायरमेंट एज है 62 साल या 62 इयर्स। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन डी भी राइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असत्य कथन है बी और हमारा आंसर भी बी ही होगा। फाइन, आई होप आपको समझ में आया। अब हम मूव ऑन करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय न्यायपालिका से संबंधित इनमें से कौन से कथन सत्य है? अब आपको सत्य कथन पूछा। भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत इकाई है, सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। जब हम न्यायपालिका पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यही चीज पढ़ते हैं कि भारत की न्यायपालिका एक एकीकृत और स्वतंत्र इकाई है। ये दोनों ही तो सबसे मेन फीचर है। एकीकृत का मतलब है कि एक अलग अलग खंडों में नहीं है, खंडित नहीं है, अखंडित है। इसका मतलब कि केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सभी राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे और उन उच्च न्यायालयों के अधीन सारे अधीनस्थ न्यायालय होंगे। एक हायरार्की बनी, एक पदसोपान बना हुआ है यहाँ पर और सब एक दूसरे के अधीन है, या मैं कहूँ एक तरह का इंटरनल चैनल बना हुआ है। जिस तरह से अमेरिका में होता है तो वहां पर हर अलग अलग तरह के लेवल के लिए अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। केंद्र के लिए अलग कोर्ट होता है, राज्य के लिए अलग कोर्ट होता है, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते, एक ही हायरार्की के अंदर नहीं होते। पर इंडिया में ऐसा नहीं, वहां पर अगर आप किसी केंद्र के केस को लेकर जाएंगे तो सीधा आपको केंद्र के कोर्ट में जाना पड़ेगा और वही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा। राज्य के केस को लेकर जाएंगे तो सीधा राज्य का ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा, उसकी राज्य स्तर की किसी केस की सुनवाई केंद्र पे नहीं होगी वहां पर। जबकि हमारे यहाँ ऐसा है कि छोटे से मुद्दे को आप अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकते, होता है एक चैनल के जरिए पूरे सर्वोच्च न्यायालय तक किसी भी केस को लेकर जा सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ खंडित न्यायपालिका नहीं है, अखंडित है, उसी को हम एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सत्य कथन पूछ रहा है तो एक स्टेटमेंट तो हमको मिल गया। दूसरा, उच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता, सही या गलत? गलत। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 5 प्रकार के रिट बताए थे, लेकिन उस टाइम मैंने दोहराया नहीं था क्योंकि प्रश्न में ये चीज आपकी टेस्ट होती है, इस वजह से मैंने वहां पे डिटेल में नहीं बताया। पर यहाँ बता देती हूँ कि वो 5 प्रकार के रिट ना सिर्फ भारत का सर्वोच्च न्यायालय बल्कि राज्यों के उच्च न्यायालय भी जारी करते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही ये 5 प्रकार के रिट जारी करने की अनुमति है संविधान के हिसाब से। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये नहीं कर सकता कह रहा। अगला, न्यायिक सक्रियता का उल्लेख अनुच्छेद 126 में, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पहली बात तो न्यायिक सक्रियता का कोई उल्लेख भारत के संविधान में है ही नहीं, तो अनुच्छेद के आने की तो बात ही नहीं होती। न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट आपकी मेंस के सिलेबस में भी मेंशन है, प्रीलिम्स में तो है नहीं वैसे, तो जब मेंशन है तो इंसान को लगता है कि शायद संविधान में कहीं उल्लेखित होगा, पर ऐसा नहीं। न्यायिक सक्रियता का मतलब एक ऐसी अवधारणा होती है जहां न्यायपालिका जो कि हमेशा से एक निष्क्रिय रोल निभाती है, निष्क्रिय का मतलब हम इंग्लिश में कहते हैं पैसिव रोल निभाती है, अब मैं कहूँ प्रतिक्रियात्मक रोल निभाती है, अब वो क्रियात्मक बनती दिख रही है। मतलब पहले ऐसा था कि लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे तब न्यायपालिका आपकी बातें सुनेगी,
पर अब न्यायपालिका स्वयं से संज्ञान लेने लगी है घट रही गलत घटनाओं का और उस पर से कुछ और अनौपचारिक एक्शन लेने लगी है। कुल मिलाकर न्याय सक्रियता का मतलब कि न्यायपालिका उसके जजेस काफी सक्रिय हो चुके हैं और देश में चल रही जितनी गतिविधियां हैं उनमें इंटरफियर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और यदि कुछ गलत हो रहा है तो फटकार भी लगा रहे हैं। वैसे तो न्यायपालिका को प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा करने का आदेश नहीं है संविधान की तरफ से, लेकिन हाँ यदि कोई जज कहता है कि सरकार की ये नीति यहाँ पे सही से क्रियान्वित नहीं हो रही तो वहां के संबंधित विधायक या वहां के संबंधित सांसद इस चीज का संज्ञान ले, तो जब ये जज ऐसा कहता है तो फिर प्रेशर पड़ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर और उनको गवर्नमेंट को उस चीज को ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से न्यायपालिका एक्टिव हो गई, जो भी प्रशासनिक क्रियाकलाप हो रहा है उसके लिए वो एक्टिव हो गई, इसी को न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। PIL जो होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जनहित याचिका, वो न्यायिक सक्रियता का एक जीता जाता सर्वोच्च एग्जाम्पल है जो इंडिया में भी लागू है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट इंडिया में है पर संविधान में कहीं नहीं है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया और इंडिया में काफी स्वीकारा भी जा रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि सक्रियता है भारत में लेकिन संविधान में मेंशन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत। तो इस हिसाब से सत्य कथन केवल एक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक, सो दैट इज इट। ये 12 प्रश्न है हमारे पास, समय की थोड़ी पाबंदियां हैं, हम बहुत ज्यादा लंबे सेशंस नहीं ले सकते, फिर भी क्योंकि हर एक को एक्सप्लेन करना रहता है इसलिए हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते, इसलिए मैंने 10 या 12 ही क्वेश्चंस यहाँ पर ली हूँ। लेकिन जैसे कि आपको बताया मैंने, ये डिपेंड करेगा किसी सेशन में 10, किसी में 12, किसी में 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे। हमारा मकसद उस ऑब्जेक्टिव के पीछे का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना भी है। ठीक, सो दैट इज इट विद टुडेज FTR सेशन। कहीं कोई डाउट हो, क्लेरिफिकेशन हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जितने स्टूडेंट्स हैं आपको यही पूरे प्रश्न, यही पूरे क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में विद थ्रू आउट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब के इंग्लिश मीडियम चैनल में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो मिलते हैं हम कल 6 बजे राज व्यवस्था के तीसरे टॉपिक पर। उस शेड्यूल को आप जरूर देख लें, कौन से टॉपिक से प्रिपेयर कर लें और कल के ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।